स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना में राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अभियान का शुभारंभ किया। 31 अगस्त 2019 तक आयोजित होने वाला ये अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है। पालमपुर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र से राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने एड्स जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सुपर स्पेशलिस्टी स्वास्थ्य शिविर का भी स्वास्थ्य मंत्री ने शुभारंभ किया। शिविर में HIV जांच, अपंगता प्रमाण पत्र शिविर, HIV पर जागरूकता प्रदर्शनी, इसके अतिरिक्त हृदय रोग, स्त्री रोग, आंख नाक कान गला, हड्डी रोग, चरम रोग, बाल रोग, मेडिसिन, मनोचिकित्सा व शल्य चिकित्सा संबंधी रोगों की चिकित्सकों द्वारा जांच की गई। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में HIV की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति विभिन्न सुविधाओं और गतिविधियों को क्रियान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम जनता तक HIV एड्स जांच सुविधा को पहुंचाने के लिए 45 एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में वर्तमान वित्त वर्ष में 10 नए एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र स्थापित करना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी HIV जाँच सुविधा प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य मानकों में हम आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो हिमाचल प्रदेश में HIV और एड्स के लिए अगर कोई प्रभावित व्यक्ति है वो अछूत नहीं है, बिल्कुल अछूत नहीं है। वो जिंदगी में लंबी जिंदगी जी सकता है, लंबी जिंदगी 60 साल, 65 साल, 70 साल। हमारा विभाग उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई HIV से ग्रसित हो गया डरने की जरूरत नहीं। 40 स्थानों पर हमारे इस प्रकार के केंद्र हैं, जहां पर उनके उपचार के लिए, उनकी छानबीन के लिए कोशिशें हो रही है, मुफ्त में दवाई का प्रबंधन हो रहा है। HIV एड्स के साथ कोई शरीर में और बीमारी लग गई, 20 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया है, 20 लाख रुपए। और कोई ऐसा व्यक्ति किसी बड़े अस्पताल शिमला जाना चाहता है तो उसके अटेंडेंट के लिए बस में मुफ्त व्यवस्था की गई है, मुफ्त व्यवस्था की गई। हम समाज के हर दायरे के व्यक्ति के साथ मन से खड़ा होना चाहते हैं, मन से खड़ा होना चाहते हैं। सिटी चैनल के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट।